अगला टॉपिक है अपना ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल। अपन ने अभी तक किया जो सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते थे उसमें अपन कैसे क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए अपन क्या करते थे, जैसे x y x के रेस्पेक्ट में था तब अपन करते थे y dx, y के रेस्पेक्ट में था तब अपन करते थे x dy। अब अपन देखेंगे ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल। ध्रुवीय वक्रों के क्षेत्रफल के लिए मान लो सबसे पहले ये यहां पे जो x को r है वो फंक्शन है किसका, थीटा का, r फंक्शन है थीटा का, और ये ध्रुवीय रेखाएं हैं कुछ r बराबर 0 से r बराबर थीटा तक ये ध्रुवीय रेखा तक पहुंच रहा है। तो इस केस में जो अपना एरिया होगा वो होगा 1/2 अल्फा से लेके बीटा, उसके बाद में अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। अब अपन इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लो कि अपने पास वक्र दे रखा है, वक्र एक्स बराबर सॉरी आर बराबर पाई सॉरी आर बराबर ए थीटा कोस थीटा का अपने को क्षेत्रफल निकालना है थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर पाई बाई 2 तक। इसका संपूर्ण एरिया किससे निकलेगा, ध्रुवीय अक्ष से रखिए सबसे पहले, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 अल्फा 2 लेके बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। अब अपने पास दे रखा है कि अल्फा से बीटा 0 से पाई बाई 2, तो 1/2 0 से लेके पाई बाई 2 ए ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा ये दे रखा है अपने पास, ए थीटा कोस थीटा का स्क्वायर इनटू डी थीटा। अब यहां से मैं इसको यहां लिख रहा हूं तो 1/2 इसके बाद में 0 से लेके पाई बाय 2, अब उसके बाद में ए थीटा कोस ये है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अपन जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, यहां पे मैंने लिखा 1/2 0 से लेके पाई बाय 2 1 प्लस ए स्क्वायर मान लो बाहर ले लिया 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा स्क्वायर डी थीटा। ये क्या बना यहां से ए स्क्वायर बाय 2 0 से लेके पाई बाय 2 थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा। अब अपन इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इस वाले को i1 मान लेता हूं, इसको मैंने i2 मान लिया। अब अपन i1 i2 कैसे सॉल्व करें, i1 के लिए सबसे सिंपल चीज है 0 से लेके पाई बाय 2 थीटा स्क्वायर बाय 2 डी थीटा। थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा क्यूब बाय 3 इनटू 2 6 0 से लेके पाई बाय 2 पाई बाय 6। अब मैं इसको 1/6 को तो मैंने बाहर रख दिया, थीटा क्यूब पाई बाय 2 का क्यूब ये हो गया पाई क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को अपन बाहर लेके लेंगे 8 इनटू 6 40 से आया। अब इसके बाद में अपन आई2 निकालते हैं। आई2 है अपना आई2 बराबर क्या है 0 से लेके पाई बाई 2 0 से लेके पाई बाय 2 थीटा कोस 2 थीटा थीटा कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाय पार्ट्स को मैं तो यहां पे इसका करूंगा तो ये हो गया थीटा स्क्वायर कोस 2 थीटा का हो गया sin 2 थीटा बाय 2। इसकी लिमिट्स कहां तक हो गई, 0 से लेके पाई बाय 2 तक याद तक आया। उसके बाद में अपन वापस करेंगे तो ये हो गया 0 से लेके पाई बाय 2। इस अब फिर से समाकलन करेंगे तो यहां पे जो ये है ये बन जाएगा 2 थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड
थीटा। साइन टू थीटा कैसे बना अपन ने खंड से समांगी कैसे यूज टू पी का पार्ट करते थे अपन क्या करते थे सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे एक बार आ जाएगा ऐसे समाकलन किया उसके बाद में ये बार आया टू थीटा साइन ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा यहाँ पे कोस टू थीटा का कोस टू थीटा का डी बाई डी थीटा कितना होता है माइनस साइन टू थीटा तो ये माइनस माइनस है ये पहले से माइनस का दे रखा था ये पहले उसके बाद में अपन क्या करेंगे टू थीटा साइन टू थीटा बाई इसका टू करेंगे इसमें मैं थीटा स्क्वायर इसकी जगह मैं पाई बाई टू रखूंगा साइन टू इंटू पाई साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो तो ये तो पूरा कितना हो गया जीरो उसके बाद में मैं इसका करूंगा तो इस वाले का क्या हो जाएगा टू थीटा थीटा तो बाहर आ गया टू से टू कट गया थीटा तो बाहर आ गया उसके बाद में इसका कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा का माइनस कोस टू थीटा माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू जीरो से लेके पाई बाई टू उसके बाद में ये बन जाएगा प्लस जीरो से लेके पाई बाई टू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया उसके बाद में कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू डी थीटा अब इसका मैं कोस टू थीटा का क्या हो जाएगा कोस टू थीटा का डायरेक्ट होगा साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू ये हो गया जीरो से लेके पाई बाई टू और ये वाला क्या हो गया माइनस थीटा कोस पाई की वैल्यू थी माइनस वन तो ये हो गया पाई बाई टू कोस पाई पाई बाई टू कोस पाई की वैल्यू होती है ये पाई बाई टू कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू कोस पाई ये हो गया पाई बाई फोर पाई बाई फोर और ये हो गया जीरो तो यहाँ से इसकी फाइनल आंसर कितना आ गया पाई बाई फोर तो अपना फाइनल सोल्यूशन होगा आई उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई वन प्लस आई अब अपन अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं उसमें अपने को संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होता है संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मान लो इक्वेशन है r equals to a cos 2 थीटा ये एक तरीके से लूप दे रखा है अपन ने पढ़ा था कर्व ट्रेसिंग के अंदर ये लूप है इसका अपन ने डायग्राम भी बनाना मैंने आपको सिखाया था जैसे ये cos 2 थीटा ये इसका लूप बना ये लूप लूप है ये है पाई बाई कितने पे ये हो गया जीरो ये वाला बनेगा पाई बाई फोर पे ये बन रहा है पाई बाई टू ये हो गया पाई ये हो गया टू पाई बाई थ्री तो इसकी जो लिमिट्स है वो कहां से कहां तक हो जाएगी ये वाला है इधर जाएगा माइनस इसको मैं माइनस पाई बाई फोर लिख सकता हूँ क्या ये वाला लूप है अपने लूप का पूरा एरिया निकालना तो ए बराबर तो अपना था फॉर्मूला वन बाई टू अल्फा टू बीटा क्या हो जाएगा इसमें अल्फा टू बीटा क्या हो जाएगा इसमें अपने को दिख रहा है कि जो ये लिमिट है वो है माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर तक अब उसके बाद में हम ए कोस टू थीटा ए कोस टू थीटा रखा मैंने ऐसे ही ऐसे आर स्क्वायर का इसका स्क्वायर डी थीटा अब अपने को एक चीज पता है चारों तरफ है तो ये मैं इसको चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा ठीक है ये यहाँ पे बचा टू माइनस फोर बाई फाइव बाई फोर से लेके फाइव बाई फोर ए कोस इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टू थीटा डी थीटा सिमिलरली अपने को वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कोस स्क्वायर थीटा का तो ये वाला यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा का तो ये बन जाएगा क्या सपोज मैंने यहाँ पर टू थीटा जो दे रखा है उसको मैंने मान लिया फाइव टू थीटा को मैंने फाइव मान लिया ये बना टू डी थीटा बराबर डी वाई अब अपने को एक चीज पता है ये जो लिमिट्स है ये किसकी है उसकी थीटा की तो अपने को उसको पाई में कन्वर्ट पाई फाई की फॉर्म में लिमिट्स कन्वर्ट करनी पड़ेगी जिसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट्स भी क्या हो जाएगी यहाँ पे जो लिमिट्स है वो हो जाएगी माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई ये टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई वन बाई ये वाला टू बाहर आ जाएगा इधर डी वन बाई टू इंटू डी फाइव अब ये टू से टू कट गया अब अच्छा फाइनल बचा माइनस फाइव बाई टू से लेके फाइव बाई टू अब ये यहाँ पे है ए
फाइव डी फाइव। अब कोस स्क्वायर फाइव कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला था वन प्लस कोस स्क्वायर फाइव, मैं लिखूंगा वन प्लस कोस टू फाइव डिवाइड बाई टू डी फाइव। बाहर क्या बचा ए स्क्वायर, लिमिट्स है माइनस फाइव बाई टू से लेके फाइव बाई टू, इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले वन बाई टू तो बाहर आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर बाई टू। इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, फाइव प्लस कोस टू फाइव का हो गया टू साइन टू फाइव, इस कोस टू फाइव का हो गया साइन टू फाइव, सही ठीक है। उसके बाद में डिवाइड बाई टू साइन टू फाइव डिवाइड बाई फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आएगा पाई ए स्क्वायर बाई, यहां से आ जाएगा पाई, ये हो गया पाई ए स्क्वायर बाई, ये तो हो गया जीरो, ये वाला तो जीरो हो गया, फाइव में रखूंगा पाई बाई टू प्लस का माइनस माइनस पाई बाई टू प्लस का, ये हो गया पाई इसको ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर बाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि कोई वर्ड है उसकी इक्वेशन आर बराबर है और कोण कार्टेशियन उसकी इक्वेशन आर ए वन प्लस कोस थीटा, तो उनका जो उभयनिष्ठ अपने को प्रूफ करना है तो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होगा वो उसका जो मान होगा उसकी वैल्यू ये होगी। उभयनिष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अपने को कर्व ट्रेस बनानी है। अपन वक्र कैसे बनाते हैं, अपने को वक्र बनाना अच्छे से सी लिया था, कार्टेशियन था उसका वक्र अपन ने बनाया था, ये कार्टियोड, ये कौन सा कार्टियोड है r बराबर a 1 प्लस cos थीटा। इसके बाद में हमने ये जो वर्ड की इक्वेशन है r बराबर a, तो r बराबर a तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये बन गया अपना r बराबर a, r बराबर a। तो अपने को ये पूछा है कि अपना जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है पाई। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू
मैं इसको ऐसे कैसे पुट करूंगा, ए वन प्लस कोस थीटा का स्क्वायर डी थीटा, ए स्क्वायर 12 है ये बना ए स्क्वायर बाय 2, उसके बाद में अंदर है 0 से लेके ऊपर पाई बाय 2 से लेके पाई, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, साइन थीटा
सॉल्यूशन करेंगे अपन। अब अपने को ये पता है कि इसके आर बराबर साइन थीटा के अंदर, मतलब सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो है आर, ये है थीटा, आर और थीटा, थीटा की वैल्यू मैं रख रहा हूँ जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो रखी तो यहाँ पे साइन थीटा है तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू होती है वन। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहा हूँ पाई बाई टू, तो हो गया जीरो। अब उसके बाद में दूसरे आर वन माइनस कोस थीटा है, आर वन माइनस कोस थीटा, इसके लिए मैं रख रहा हूँ जैसे आर ये बना थीटा। अब इसके लिए ये देखो वन माइनस, यहाँ पर मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, कोस जीरो वन तो ये आर की वैल्यू हो गई जीरो। अब उसके बाद मैं पाई बाई टू कर रहा हूँ, ये जो पाई बाई टू किया था वन। अब डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले ये हो गया जीरो, आर की वैल्यू यहाँ पे हो गई कितनी, आर की वैल्यू है वन, थीटा की वैल्यू है जीरो। तो यहाँ पे कुछ आर की वैल्यू है वो देख वन, थीटा की वैल्यू है जीरो, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है, यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी आ गई आर। तो ये देखो मेरे को ये वाली लाइन दिख रही है कुछ, सपोज आपको बीच वाला भी ले लेता है, जैसे मैंने लिया पाई बाई फोर। अब पाई बाई फोर लिया तो यहाँ पर साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है वन, सॉरी वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू कुछ वैल्यू होगी, रूट टू की वैल्यू होती है वन पॉइंट टू, कुछ कमी होगी तो ऐसे वैल्यू क्या होगी ऐसे घट जाएगी। उसके बाद में मैं इसकी ले रहा हूँ जीरो जीरो और वन पाई बाई टू ये वाली। तो अपने को निकालना है ये वाला वैल्यू के लिए इधर वाला, तो ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, तो ये वाला एरिया आएगा उसमें से अपने को ये वाला माइनस कर देंगे, तो उभयनिष्ठ एरिया आएगा, उभयनिष्ठ एरिया क्षेत्रफल होगा वो होगा वन बाई टू, लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी जीरो से लेके पाई बाई टू तक। आर स्क्वायर है इसको मैं पहले पुट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब उसके बाद में ये है माइनस वन माइनस दे रखा है कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। यहाँ से अपने पास इक्वेशन बन गई वन बाई टू जीरो से लेके पाई बाई टू। अब साइन स्क्वायर थीटा मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद में माइनस ये बना टू कोस थीटा, ये हो गया प्लस टू कोस थीटा, ठीक है। यहां से अपन ने फॉर्मूला पढ़ाई था डी थीटा। अब इसके बाद में बन क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा वन वन प्लस हो गया, तो ये बना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हुआ यहाँ पे सॉरी इसको मैंने यहाँ पे माइनस है, तो ये मैंने किया वन बाई टू। ये देखो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा जीरो से लेके पाई बाई टू बना क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन तो टू कोस थीटा, टू कोस थीटा को अपन लिखेंगे तो कोस थीटा डिवाइड बाई टू, तो कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, तो ये बना यहाँ पे इसका मैं अलग अलग करूंगा तो वन बाई टू जीरो से लेके पाई बाई टू कोस थीटा डी थीटा माइनस जीरो से लेके पाई बाई टू कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैंने थोड़ी देर पहले इसका वो किया था, इसका हो गया साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके पाई बाई टू तक, और कोस स्क्वायर थीटा का अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था पाई बाई फोर, पाई बाई फोर ये है वन बाई टू बाहर आ गया, तो ये मैंने लिखा वन बाई टू। उसके बाद में पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर माइनस साइन जीरो, ठीक है। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई टू माइनस साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो वन बाई टू 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 रूट टू, तो यहाँ से आ गया माइनस, उसको मैंने किया टू को अंदर मल्टीप्लाई किया।
यहाँ पे तो पाई बाई फोर